हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन 2 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो अपना चैनल है ना, ये जो है अभी रिकवर हुआ है, कल की डेट में ही ये रिकवर है। क्योंकि दोस्तों, जो इसका ईमेल आईडी था ना, वो लॉस्ट हो गया था और पासवर्ड वगैरह अभी नहीं लग रहा था, कोई ग्लिच वगैरह आ गया था। मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था, यूट्यूब वालों को मेल भी डाला था, बट वो बोले कि हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। जस्ट फॉर आपका माइंड, इसमें हेल्प कर पाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद आता है तो ही आपके कुछ खुद हेल्प कर पाओगे। सो, हमने क्या किया, कल मैंने 2-3 पासवर्ड लगाए तो एक पासवर्ड काम कर गया। कल मेरे को वो वाइब्स भी आ रहे थे, हम बोलते हैं ना कि मैचेस में अच्छी वाइब्स आती है, तो वाइब्स आई और चैनल रिकवर हो गया। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट भी किया था और लगभग 53 डेज हो गए। यहाँ पर देखो, 53 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला हमने। सो, अभी मेरे को बहुत खुशी हो रही है और इस पर मैं एक अच्छे से अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि इस चैनल पर रीच भी अच्छा हो रहा था। व्यूज़ भी आप देखो तो अच्छे आ रहे थे, लगभग 1000 प्लस व्यूज़ आ रहे थे। अब हम कबड्डी पे हमारा मेन फोकस है और कबड्डी की क्या कुछ अपडेट है उनके बारे में हम बात करेंगे। कबड्डी के पॉइंट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे और न्यू पॉइंट सिस्टम का जो हमने बताया है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सारा वीडियो इसमें कवर कर लेते हैं और अगर लीडर बोर्ड आता है तो उसका भी हम एक वीडियो छोटा सा डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कबड्डी के न्यू पॉइंट सिस्टम के बारे में, जो कि एक प्रकार से अपडेट आया है नए पॉइंट का। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पॉइंट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं हम कबड्डी पे। तो आपको प्रत्येक एक आपका जो प्लेयर है उसके रेड टच पॉइंट जो होगा उस पर आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। पहले शायद 5 होता था मेरे को जहाँ तक याद है, और बोनस रेड पे आपको 3, पहले शायद 2 था। और उसके बाद सुपर रेड का 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आपका कोई प्लेयर है, वो अगर ओपोनेंट के ग्राउंड में साइड में जाके वो रेड लगाता है, 2 अगर वो टच पॉइंट करता है, 1 बोनस करता है, तो वो सुपर रेड मानी जाती है, या वो 3 टच पॉइंट कर लेता है, मतलब 3 से ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। स्टार्टिंग 7 मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग 7 क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि आपने एक तो मुंबई का मैच है, ठीक है ना, मुंबई का मैच है यहाँ से। तो मुंबई के मैच में क्या होगा कि मुंबई का आपने एक प्लेयर को बाय किया है, जैसे अभिषेक सिंह को आपने बाय कर लिया, और एक साइड आपकी टीम है बेंगलोर। तो अब अभिषेक सिंह को आपने बाय कर रखा, अब मुंबई की टीम स्ट्रॉन्ग है मान लो बेंगलोर से, और उसने बेंगलोर को ऑल आउट कर दिया, तो आपका जो अभिषेक सिंह बाय किया ना, उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और वहीं अगर आपने बेंगलोर के किसी प्लेयर को बाय करके रखा और मुंबई की टीम ने उनको ऑल आउट कर दिया, तो वो 2 पॉइंट उसके माइनस हो जाएंगे। अगर उसके 20 पॉइंट हैं टोटल, तो उसके 2 माइनस होकर 18 पॉइंट बचेंगे। तो ये चीज़ भी प्रॉफिटेबल। और जो ये रेड कार्ड येलो कार्ड वगैरह वाला जो सीन है ना, जैसे ग्रीन कार्ड हो गया, येलो कार्ड और रेड कार्ड, इसमें भी कम हुआ इजाफा। पहले बहुत ज़्यादा होता था, माइनस बहुत ज़्यादा पॉइंट होते थे, अब थोड़ा सा कम कर दिया गया। देखो, लीडर बोर्ड की अगर हम बात करें, अगर लीडर बोर्ड के लिए कुछ अच्छे प्राइजेस आता है तो हम आपको आपके लिए उसके उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे, विद प्रेडिक्शन वीडियो हम आपको काउंट कर देंगे। और अब हम जो इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, आपको मेनली इंश्योरेंस समझा देते हैं। तो आपको कबड्डी पर आके ही फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन पर आना है, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस वाला जो ये सिंबल दिखाएगा ना, कबड्डी वाले पे आना है। जैसे क्रिकेट पे आओगे तो क्रिकेट वाला इंश्योरेंस वाला दिखाएगा, और कबड्डी पे प्रेस करके वहाँ पर इंश्योरेंस पे आओगे, फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन पे आके इंश्योरेंस पे आओगे, तो आपको कबड्डी वाला दिखाई जाएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट तो आपको सीधे ही बताएंगे, जो कि आप जानते ही हो, इनको एक बार से रीड कर लेना। मेन पॉइंट जो 5वां है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया, साफ साफ एक चीज़ बताई गई है कि द इंश्योरेंस फीचर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर शेयर्स दैट हैव ए प्राइस रेंजिंग फ्रॉम ₹0 to ₹20। 0 से ₹20 तक का जो प्लेयर है ना, उस पर इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि कल दिनेश कार्तिक पे अवेलेबल नहीं था, वो ₹20 में बाय में थे, अगर हम उन पर भी इंश्योरेंस लेते तो कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा उन्होंने पॉइंट जीते। और ₹21 से यहाँ पर बताया गया कि फोर शेयर रेंजिंग फ्रॉम ₹21 टू एनी अदर प्राइस, ₹21 से प्लस प्लस कितने भी बचे, भले ही वो ₹50 का हो, ₹60 का प्लेयर का रेट हो, तो उस पर इंश्योरेंस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ₹5 लगेगा पर शेयर, है ना। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी। क्रिकेट में क्या होता है, जैसे 21 से लेके 30 तक हो तो ₹3 लगता है, 41 से ₹50 के रेट के प्लेयर पे ₹5 लगता है, यहाँ पर कितने भी रेट का प्लेयर हो, सिर्फ ₹5 डिक्यूट होगा। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, आप कमेंट में बताना ये आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। और जो अभी एक चीज़ और है कि ये जो इंश्योरेंस वाला है ना, दिस अप्लाइज टू ऑल द स्पोर्ट्स अवेलेबल ऑन द FB क्रिकेट एक्सपेक्टेड 24 में, इसको छोड़ के फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल सब में ये हो रहा है, शायद T10 में भी शायद होगा यहाँ पर ना। और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसिंग इन्फॉर्मेशंस, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कबड्डी के न्यू पॉइंट सिस्टम के बारे में, जो कि एक प्रकार से अपडेट आया है नए पॉइंट का। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पॉइंट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं हम कबड्डी पे। तो आपको प्रत्येक एक
आपका जो प्लेयर है उसके रेड टच पॉइंट जो होगा उस पर आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, पहले शायद 5 होता था मेरे को जहाँ तक याद है, और बोनस रेड पे आपको 3, पहले शायद 2 था, और उसके बाद सुपर रेड का 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आपका कोई प्लेयर है वो अगर ओपोनेंट के ग्राउंड में साइड में जाके वो रेड लगाता है 2, अगर वो टच पॉइंट करता है 1 बोनस करता है तो वो सुपर रेड मानी जाती है, या वो 3 टच पॉइंट कर लेता है, मतलब 3 से ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। स्टार्टिंग 7 मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग 7 क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि आपने एक तो मुंबई का मैच है, ठीक है ना, मुंबई का मैच है यहाँ से, तो मुंबई के मैच में क्या होगा कि मुंबई का आपने एक प्लेयर को बाय किया है, जैसे अभिषेक सिंह को आपने बाय कर लिया, और एक साइड आपकी टीम है बेंगलोर, तो अब अभिषेक सिंह को आपने बाय कर रखा, मुंबई की टीम स्ट्रॉन्ग है मान लो बेंगलोर से, और उसने बेंगलोर को ऑल आउट कर दिया, तो आपका जो अभिषेक सिंह बाय किया ना उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और वही अगर आपने बेंगलोर के किसी प्लेयर को बाय करके रखा और मुंबई की टीम ने उनको ऑल आउट कर दिया, तो वो 2 पॉइंट उसके माइनस हो जाएंगे। अगर उसके 20 पॉइंट है टोटल तो उसके 2 माइनस होके 18 पॉइंट बचेंगे, तो ये चीज़ भी प्रॉफिटेबल। और जो ये रेड कार्ड येलो कार्ड वगैरह वाला जो सीन है ना, जैसे ग्रीन कार्ड हो गया, येलो कार्ड और रेड कार्ड, इसमें भी कम हुआ इजाफा, पहले बहुत ज़्यादा होता था, माइनस बहुत ज़्यादा पॉइंट होते थे, अब थोड़ा सा कम कर दिया गया। देखो लीडर बोर्ड की अगर हम बात करें, अगर लीडर बोर्ड के लिए कुछ अच्छे प्राइजेस आता है तो हम आपको आपके लिए उसके उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे, विद प्रेडिक्शन वीडियो हम आपको काउंट कर देंगे। और अब हम जो इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, आपको मेनली इंश्योरेंस समझा देते हैं। तो आपको कबड्डी पे आके ही फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन पे आना है, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस वाला जो ये सिंबल दिखाई ना कबड्डी वाले पे आना है, जैसे क्रिकेट पे आओगे तो क्रिकेट वाला इंश्योरेंस वाला दिखाएगा, और कबड्डी पे प्रेस करके वहाँ पर इंश्योरेंस पे आओगे, फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन पे आके इंश्योरेंस पे आओगे तो आपको कबड्डी वाला दिखाई देगा। यहाँ पर 4 पॉइंट तो आपको सीधे ही बताएगा, जो कि आप जानते ही हो, इनको एक बार से रीड कर लेना। मेन पॉइंट जो 5वां है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया, साफ साफ एक चीज़ बताई गई है कि द इंश्योरेंस फीचर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर शेयर्स दैट हैव ए प्राइस रेंजिंग फ्रॉम ₹0 to ₹20। 0 से ₹20 तक का जो प्लेयर है ना उस पर इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कल दिनेश कार्तिक पे अवेलेबल नहीं था, वो ₹20 में बाय में थे, अगर हम उन पर भी इंश्योरेंस लेते तो कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाता, डबल से भी ज़्यादा उन्होंने पॉइंट जीते। और ₹21 से यहाँ पर बताया गया कि फोर शेयर रेंजिंग फ्रॉम ₹21 to any other price, ₹21 से प्लस प्लस कितने भी बचे, भले ही वो ₹50 का हो, ₹60 का प्लेयर का रेट हो, तो उस पर इंश्योरेंस जो है ना सिर्फ और सिर्फ ₹5 लगेगा पर शेयर, है ना। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी। क्रिकेट में क्या होता है, जैसे 21 से लेके 30 तक हो तो ₹3 लगता है, 41 से ₹50 के रेट के प्लेयर पे ₹5 लगता है, यहाँ पर कितने भी रेट का प्लेयर हो सिर्फ ₹5 डिक्यूट होगा, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। आप कमेंट में बताना आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। और जो अभी एक चीज़ और है कि ये जो इंश्योरेंस वाला है ना, तो इंश्योरेंस वाला दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल में भी काउंट होने लग गया, ठीक है ना। क्रिकेट में तो था ही, और फुटबॉल में आ गया, कबड्डी में आ गया, बास्केटबॉल में आ गया, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। और इंश्योरेंस का आपने एग्जांपल देख ही लिया होगा। देखो दोस्तों, जिस चीज़ को माइंडसेट के साथ खेलोगे तो प्रॉफिट होता ही होता है। एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है, मैं मानता हूँ कि आप अपना 100% माइंडसेट का अगर 80% भी यूज़ करते हो, देखो पैसा कमाना है ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, और अच्छा एनालिसिस करते हो तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है। जैसे मैं माई पोर्टफोलियो पे आके आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका वाला। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 प्लेयर लिए हुए हैं, क्विंटन डिकॉक को सेल किया, पार्नेल को सेल किया है, और रिले रूसो को बाय किया, यहाँ पे बाय वालों ने दोनों ने अच्छा प्रॉफिट दिया। बट एक चीज़ मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, जैसे कि ये 36 में था, मैंने सेल किया, इसने डबल लॉस दे दिया, ठीक है ना। मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 36 को ये काउंट कर लो, और 27 ये होगा जहाँ पर कि मेरा ₹13 पर शेयर लॉस हो गया। तो कहने का मतलब, और ये सिर्फ 28 में बाय किया था, अगर मैं इंश्योरेंस इस पे अवेलेबल नहीं करवाता या नहीं लेता तो मेरा जो टोटल डबल होता वो 56 होता। 56 अगर डबल होता तो 36 वाला निकाल दो लॉस और ये लॉस निकाल दो, तो उतना रिटर्न मेरे को नहीं, लॉस तो भले ही नहीं होता बट उतना रिटर्न नहीं मिलता। बट यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस लिया ना, तो इंश्योरेंस का बेस्ट एग्जांपल ये है कि 28 में बाय किया और बाय का डबल होता है ₹56, ठीक है ना। और यहीं पे मैंने इंश्योरेंस लिया तो 28 के बदले मेरे को कितना मिला, ₹105 का मेरा प्रॉफिट हो गया, प्लस रिटर्न मेरा हो गया 138। अब आप काउंट कर लो कितना होता है, लगभग अगर हम 3 के हिसाब से भी लगाए ना तो भी हमें लगभग 4 गुना रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक प्रकार से प्रीमियम मल्टीबैगर का रिटर्न होता है। तो दिमाग से खेलना चाहिए हमारे पास, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में बोल दिया कि मैं इंश्योरेंस लेने वाला हूँ इस प्लेयर पे, थोड़ा सा रिस्क लोगे तो प्रॉफिट होगा। सो इंश्योरेंस का ये सीन रहता है, और देखो प्रॉफिट हो गया। बाकी अगर इस एक प्लेयर ने हमें इतना प्रॉफिट दे दिया कि इनका अगर हमें लॉस भी हो जाता ना सबका, तो अभी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
और वही हमारे डीके भाई का भी वीडियो में मैंने बोला ही था कि इनको आप ट्राई करो तो प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट। तो दोस्तों ये था आज का एक अपडेटेड वीडियो कबड्डी के ऊपर जो कि मैंने आपको बोला था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट में बताना। बाकी देखो जस्ट एक दो दिन का वेट करना, फिर कबड्डी स्टार्ट हो जाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना और अच्छा सा माइंडसेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। मेरा आपसे यही स्ट्रेटेजी रहता है, इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न हाई लेने का सोचेंगे हम, सो उस चीज़ पर भी हम काम करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे बस, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि इन मैचेस में हाई इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको थोड़ा सा मैं खुद ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे कितना इन्वेस्ट। अब देखो यार एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करने को तो मैं 1160 का भी कर सकता था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पहले भी करते आए हैं। 1160 का इन्वेस्टमेंट करता यहाँ पे 1920 रुपये हमारा अच्छा रिटर्न मिल जाता। बट नहीं, हम इस चीज़ को ट्राई करें कि अगर हम इंश्योरेंस को लेते हैं और अगर जैसे कि सेल वाले दोनों ने लॉस दे दिया, डबल लॉस दे दिया, तो कितना बनता, कितना बनना चाहिए और बाय वालों में हमें कितना प्रॉफिट होता है। बट एक चीज़ ये मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे कि हम कोई प्लेयर को सेल कर रहे हैं और किसी को बाय कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि बाय वाला हमारा नहीं चलता है, ठीक है ना, बाय वाला नहीं चलता और सेल वाला चलता, फिर भी हम लॉस में रहते हैं। और अब देखो यहाँ पर सेल वाले हमारे ने सब फ्लॉप गए, बट बाय वाले चले तो हमारा प्रॉफिट दिखाई दे गया। यहाँ पर कहने का मतलब सेल में प्रॉफिट होता है, बट अगर आप ऐसे इक्वली इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जैसे कि यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट नहीं होता यार, प्रॉफिट जब होगा जब हम इक्वली बाय करेंगे। तो आपको मैं यही हमेशा सजेस्ट करूँगा कि अगर एक प्लेयर को सेल करते हो तो एक को बाय करो, भले ही उस पर इन्वेस्टमेंट लेस कर लो, बट बाय वाला जरूर साथ में रखो तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। जैसे हमने इक्वली इन्वेस्टमेंट किया क्विंटन डिकॉक और वेन पार्नेल, दो मतलब सेल में लिए, दो बाय में लिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट श्योर है यार, मैच भले ही कैसा जा रहा हो। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और कंटिन्यू करेंगे इस मेहनत को। इस चैनल को मैं 10,000 के टारगेट पे ले जाना, 20,000 के टारगेट पे, 50,000 के, लाख के टारगेट पे लेकर जाना, और हमारी फैमिली एक प्रकार से अलग फैमिली होगी एक्सचेंज पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।